हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा। आज की वीडियो है कंफ्यूजन्स दूर करने की। अक्सर लोग पूछा करते हैं, अक्सर कमेंट में लिखते हैं कि सर क्या हमें फ्रिज को घर से बाहर जाते वक्त कहीं लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो क्या फ्रिज को बंद कर दें, क्या फ्रिज बंद करने से खराब हो जाती है। इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बताएंगे। दोस्तों हमने अक्सर एक चीज नोट किया है, जिस फ्रिज में गैस चार्ज या फिर कंप्रेसर चेंज या फिर गैस से संबंधित कार्य हुआ रहता है, रिपेयरिंग वाले फ्रिज, उस फ्रिज को हम जब घर से बाहर जाते हैं कभी लंबे समय के लिए, चल दिए महीना दो महीना के लिए, तो बंद करके रखते हैं। तब हमने उसमें देखा है कि उसको बाद में चालू करते हैं तो कूलिंग जैसे प्रॉब्लम्स आ जाती है, जो कि कूलिंग नहीं करती है। कई तरीके के उसमें फॉल्ट या फिर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। कई बार गैस चोकिंग हो जाती है या फिर वो है कूलिंग ही नहीं कर पाता है। अब डाउट आता है कि क्या फ्रिज को बाहर जाते वक्त बंद करना है या फिर नहीं। तो कुछ ऐसे फ्रिज होती हैं दोस्तों, जैसे कि हमने फ्रिज नया लिया है, आज तक कभी रिपेयरिंग नहीं हुई है, नहीं उसमें कंप्रेसर चेंज हुई है, नहीं उसमें किसी भी गैस की उसमें कार्य हुआ है। मतलब वो जो फ्रिज है उसमें किसी भी तरीके से गैस से संबंधित या फिर कंप्रेसर चेंज जैसी रिपेयरिंग कार्य नहीं हुआ है। उस फ्रिज को हमने महीना दो महीना बंद करके रखा, उसके बाद फिर से चालू किया, तो वो जो फ्रिज है उसमें कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बिल्कुल फिर से चालू हो जाती है और अच्छे से कूलिंग करता है। दोस्तों ये वीडियो में आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि जो फ्रिज में रिपेयरिंग कार्य हुई रहती है, गैस चार्ज या फिर कंप्रेसर चेंज जैसे, उस फ्रिज को लंबे समय तक बंद नहीं करना चाहिए। और ऐसे फ्रिज जिसे हमने कभी रिपेयरिंग ही नहीं कराया है, गैस संबंधित या फिर कंप्रेसर संबंधित, वैसे फ्रिज को बंद रखने के बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्लियर हो गई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों काम बोलेगा चैनल से मैं राजेश वर्मा फिर से मिलता हूँ नई वीडियो में।